क्या वक्त हो रहा है? वक्त हो चुका है नए 70 का। होंडा ने जस्ट लॉन्च कर दी है अपनी नई होंडा सिटी 70 2023 मॉडल। सो चलिए रिव्यू करते हैं, बढ़ते हैं रिव्यू की जानेब। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर, आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। दिन है बड़ा ज़बरदस्त क्योंकि आज है हमारे हाथ लगा नया 2023 मॉडल होंडा सिटी 70। ये स्मर्क जो आप देख रहे हैं ना, तंजिया मुस्कुराहट, तो ये तंजिया नहीं है, ये कुछ और मुस्कुराहट है। मैं वजह बताता हूँ आपको क्या सीन है। यहाँ पे है हमारे पास ओल्ड मॉडल वर्सेस न्यू मॉडल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे, अच्छे बच्चों की तरह सच सच बोलेंगे कि ये दोनों 70 खड़े हैं आपके सामने, कीमत मैं बता देता हूँ दोनों की 1,16,500 रुपये कीमत है। पहली बात तो ये कि कीमत जस्टिफाई नहीं करती जो चीज़ है। अब जो आप लोगों का गिला होता है हमेशा, आप लोगों का, मेरा नहीं, आप लोगों का, मेरा तो होता ही है, लेकिन आप लोग भी इस बात पे अक्सर, क्योंकि अकल समझ अल्लाह ने दिए ना सबको, तो सब ये बात सोचते हैं कि यार डॉलर ऊपर जाता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं, डॉलर जब नीचे आ जाता है तो कीमतें वहीं, उन्हें वो ग्रीस नहीं लगी हुई शायद कि वो एक दफ़ा ऊपर जाए तो नीचे स्लिप डाउन नहीं होती, अड़ जाती हैं वहाँ पर, वहीं पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि याल्ला डॉलर थोड़ा सा और ऊपर हो हम फिर कीमतें बढ़ा दें ऊपर, यानी कि कीमत नीचे नहीं आएगी। गाड़ी वालों ने कीमतें नीचे कर दी हैं, आपके प्यारे होंडा ने कीमतें नीचे नहीं की। और ना सिर्फ होंडा, सुजुकी, यामाहा, यूनाइटेड और जितने भी 70 cc's और 125 cc's बना रहे हैं, यूनियन स्टार वगैरह, हाई स्पीड वगैरह, किसी ने काम नहीं की, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये बात तो क्लियर होगी कि कीमत जस्टिफाई नहीं करती। अब अगली बात पे आते हैं। एक चीज़ होती है इनोवेशन, एक चीज़ होती है अडॉप्ट करना, ठीक है। तरक्की के लिए ये दो बुनियादी उसूल हैं। जो बंदे ये दो चीज़ें अडॉप्ट नहीं करते या जो कंपनियां ये दो चीज़ें अडॉप्ट नहीं करती, वो फेल हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। तो अब कुछ इसी किस्म का सिलसिला पाकिस्तानी मोटो इंडस्ट्री में भी है, चाहे वो गाड़ियां हैं या वो बाइक्स हैं, बाइक्स स्पेशली, क्योंकि ये आप देखें, मैं बच्चा था तब भी यही डिज़ाइन था, मैं बड़ा हो गया तब भी यही डिज़ाइन, जब मैं बाल बच्चेदार हो चुका हूँ तब भी यही डिज़ाइन। ख़तरा मुझे ये है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तब भी उन्हें विरासत में यही डिज़ाइन मिलेगा। बहरहाल डिज़ाइन वाली बात भी हो गई, दो चीज़ें हमने क्लियर कर दी, प्राइस जस्टिफाई नहीं करती, डिज़ाइन आउटडेटेड है बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, अब ये देखें ना, ये 22 मॉडल है, ठीक है, 21 में भी यही था टेक्नोलॉजी, 1998 में भी यही थी, 1990 में भी यही थी, यानी कि 30-40 साल से हमें यही मिल रही है। और ये आ गया नया मॉडल हमारे पास, कंग्रेचुलेशन, क्लैपिंग। अब क्लैपिंग करने के बाद हम देखते हैं, इसे वही चीज़ है, नथिंग हैज चेंज्ड, होंडा होंडा, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है। कैश डिपॉजिट 70, कैश डिपॉजिट, सिर्फ फॉन्ट्स डिफरेंट है, चीज़ वही लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्टिकर इस किस्म का है और यहाँ पे स्टिकर इस किस्म का है, ठीक है। ये नोकीला है और ये थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप डाउन हो रहा है, दैट्स ऑल। ये पीछे एक और पर भी है इसका, इसमें पर नहीं डाला इन्होंने। और सिल्वर वाली पट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा इन्होंने शेड दिया पिछले साल के या दहानी के लिए, यहाँ पे पूरी सिल्वर थी और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मल्टी कलर कर दिया, जिसमें आपके पास, अब नाराज़ ना होइएगा, कुछ है ही नहीं है दिखाने को, मैं यही बता सकता हूँ कि ये पीला स्टिकर है, ये ग्रीन है, साथ ब्लैक है, मतलब कोई तुक है अल्लाह का वास्ता है। ये कोई बताने वाली बातें कि अब मैं बैठ के आपको ये बताऊंगा कि स्टिकर इसमें किस किस्म का लग। मैं कोशिश करूंगा वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि बताने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। स्टिकर चेंज है, जो हर साल का एक दुख होता है हमारा कि यार कोई चीज़ दे दो। अच्छा 70 में अब वो 125 वाली बात भी नहीं है कि बिकता है कि भाई साउंड तो है ना, पावर थोड़ी सी देता आपको, ये कुछ भी नहीं देता। मीटर ही देख लें आप, ये पुराना वर्जन है और ये नया वर्जन है। अब आप सच बताएं आपको इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आया, कोई फ़र्क नज़र आ रहा तो आप मुझे बता दें। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। असम्बलीज आप देखें, यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, पुराने मॉडल में भी नहीं मिलता था। लेफ्ट हैंड साइड पे जो शाहकार आपको मिल रहे हैं,
वही आपको पुराने मॉडल्स में भी मिल रहे थे। ठीक है, इनोवेशन जैसे मैं बात कर रहा था, इनोवेट कुछ भी नहीं किया, इम्प्रोवाइज कुछ भी नहीं किया और एडॉप्ट कुछ भी नहीं किया ज़माने में, देख देख के भी पता है कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप लोग भी जिम्मेदार हैं, लेते क्यों हो भाई तुम लोग। एक मुहावरा है, खरीदी हुई चीज़ को दोबारा खरीदना। ठीक है, ये अगर आपने 19-20 में लिया था, 21-22 में, अभी भी यही वही है। अब ये नया मॉडल आ गया तो आपने वही चीज़ दोबारा खरीद ली, एक ही चीज़ को बार बार खरीद रहे हैं आप, क्योंकि जब तक इसमें चेंज नहीं आएगी तो वो ऐसा ही होगा कि आपके पास बेशुमार पैसा है, आप एक ही चीज़ को बार बार खरीद रहे हैं। ठीक है, हर साल सिर्फ इसलिए कि इसका स्टिकर चेंज है, दैट्स ऑल। बाकी टायर्स इसके वही हैं, फ्रेम इसका वही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी तो मुझे नहीं लगता कोई हुई है कि नहीं हुई, ख़राब अलबत्ता या हल्की या देसी आप जैसे कह सकते हैं वो ज़रूर हो चुकी है। और बस फ़ायदा क्या है, लोग क्यों पागल हैं इसके पीछे, लोग लेते हैं इसे आज भी, और ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, गारंटीड ये फिर मार्केट लीडर होगा सेल्स में। उसकी वजह, इन्होंने सच लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिट है ये बिकता है एकदम में, रीसेल बहुत अच्छी है इसकी, पायदार भी होगा। मैंने कब लिया था 70, मैंने कब लिया था 2011 में मैंने लिया था और 2 महीने बाद बेच दिया था, होंडा सी डी 70 की बात कर रहा हूँ। तो अब कौन सा है, 2023 भी शुरू होने वाला है, 2022 का एंड चल रहा है, तो उस वक्त जो मैंने लिया था और आज जो इस वक्त मौजूद है, कोई चेंज नहीं है, नथिंग हैज़ चेंज्ड एट ऑल। लेकिन उस वक्त यकीनन ठोस था, वज़न भी ज़्यादा था। अब आप लोगों में से कुछ लोग मुझे बता दें, अगर जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कि पायदारी में आपको कुछ फ़र्क लगा, कि इम्प्रूव किया है इसने पायदारी में, ज़रूर मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके कमेंट्स वगैरह का। बहरहाल ये चीज़ है जी हमारे सामने। हाँ अलबत्ता ड्रीम वाली साइट पे, सॉरी प्राइडर वाली साइट पे आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको लगता है कि इन्होंने इसे खूबसूरत बना, ये मेरा वैसे भी फेवरेट है, जब भी देखता हूँ दिल करता है इसकी पिक्चर लूँ, वीडियो बनाऊँ, मज़े की चीज़ है। ड्रीम 70 की तरफ हम आते हैं अगर, तो इसे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है क्लासिक से। ठीक है, ये आपके पास क्लासिक खड़ा हुआ है जी, ठीक है, और ये ड्रीम खड़ा हुआ है। अब ड्रीम का ये है कि शेप डिफरेंट है ऑलमोस्ट, वो पेडिग्री वही है लेकिन थोड़े से शार्प एजेस वगैरह दे दिए और ये वो। और मेन चीज़ जो मोटरसाइकिल की या किसी भी गाड़ी की जान होती है इंजन, तो इंजन टेक्नोलॉजी सेम, वही इंजन वही सारा कुछ। अब इसके ऊपर अगर मैं प्राइस देखता हूँ तो 1,24,500 रुपये इसकी कीमत लिखी हुई है इसके ऊपर, 8,000 रुपये तकरीबन, वो ज़्यादा है लेकिन एटलीस्ट शेप उसकी बेटर है। तो अगर आप मुझसे पूछें, अगर मुझ पे इतनी ऑफर टूटी हुई है कि मैंने 70 ही लेना है, तो क्या मैं इसे कंसिडर करूँगा 2023 मॉडल को, या मैं ये ले लूँगा, तो मैं आंखें बंद करके सीडी ड्रीम, अगर सीडी ड्रीम ही लेना है मैंने, तो मैं ये ले लूँगा। ठीक है, मीटर तो कम से कम ज़रा मज़े का है ना इसका, और थोड़ी सी फ्रेश लुक तो आती है, तो मैं डेफिनेटली आई गो फॉर दिस मोटरसाइकिल ऑन दैट मोटरसाइकिल, ओवर दैट मोटरसाइकिल। मुझे आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ स्टाइल एंड स्टफ, बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। और मुझे लगता है होंडा खरीदने वाले, चाइनीज़ मोटरसाइकिल खरीदने वाले, चाहे वो 70 है या 125 है, यूनियन स्टार है, हाई स्पीड है, आपका मेट्रो है, जो भी मोटरसाइकिल है, शेप सबकी एक है, तो वो ज़्यादातर लोग इस वजह से लेते हैं, अमरे मजबूरी लेते हैं, वो लेना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं होती, जेब इजाज़त नहीं रहती, तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, मजबूर होके ये लेते हैं, खुशी से कोई नहीं लेता। तो आज मैंने ये देखना है कि आप में से कितने लोग खुशी खुशी इस डिज़ाइन को पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं और हमेशा एक्साइटेड होते हैं कि यस नया मोटरसाइकिल आने वाला है, वी लव इट, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस थिंग। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप एक्साइटेड होते हैं नया मॉडल लॉन्च होता है कि हम ख़रीदेंगे, मज़ा आएगा, चिल करेंगे, या आप कहते हैं यार चलो अपडेट ही करना, कर लेते हैं ब अमरे मजबूरी, मजबूरी के तौर पे लेते हैं ना, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल प्राइस अगेन 16,500 रुपये प्राइस है इसकी, 1,16,500, लाख ना मिस कीजिएगा जैसे मैं मिस कर गई हूँ।
116,500 रुपये में नया मॉडल आपको मिलेगा और पिछले साल का भी इसी रेट पे मिलेगा। अब नई प्राइस अपडेट होगी तो अब आपको क्या लगता है, ये भी एक मज़े का सवाल है ना, अब प्राइस अपडेट होगी जब तो वो अप होगी या डाउन होगी, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्योंकि डॉलर एक वजह थी ना जिसकी वजह से इन लोगों ने प्राइसेस बढ़ाई थी, डॉलर तो नीचे आ रहा है अब रफ्ता रफ्ता, तो अब जो अपडेट आएगी व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना स्टे द सेम? अब ऊपर जाने वाला तो ऑप्शन है ही नहीं है किसी भी कंपनी के पास, नीचे आने वाला ऑप्शन ज़रूर है इनके पास। अब ये दो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, एक वहीं पर रहेगी प्राइस या थोड़ी सी 1,500 कम करेंगे, तो ये वक्त ही बताएगा। आप क्या समझते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, प्राइसेस नीचे आएंगी या उतनी रहेंगी या ऊपर भी जा सकती हैं? इट्स पाकिस्तान बेबी, यू डोंट नो, सो यू कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि क्या होना। वो जो हमारी ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने कहा 2 रुपये कम करें पेट्रोल, हुकूमत ने कहा बचे थे उसी किस्तें लग दी 2 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है, पेट्रोल महंगा कर दिया, सस्ते करने की सिफारिश हुई थी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। तो इस महीने हुकूमत ने वैसे भी आई गैस ऐलान किया हुआ कि 10 रुपये तक महंगा करेंगे ये पेट्रोल को, आलमी मार्केट में सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब इनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है, हमें नहीं पता कि क्या सीन होगा जब नई प्राइस अपडेट आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।